Hi guys, welcome to Genext Computer Indore. Genext Computer Indore के इस Tally Tutorials के आगे के lessons लेके मैं आपके पास फिर आ चुका हूँ. आप मेरे channels को पूरा देखिए. आगे जो company information में जिससे मैंने select company, shut company, create company और alter previous videos में पढ़ा चुका हूँ, अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ security control. सिक्योरिटी कंट्रोल यहाँ पर तभी आएगा जब आपने कंपनी क्रिएशन करते समय यहाँ पर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस किया होगा और ये पासवर्ड और एडमिन दिया होगा. दोस्तों ये देने के बाद ही यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देता है. अगर आप वहाँ पर नहीं देंगे कंपनी क्रिएट करते समय तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका आगे आपको एडवांटेज होगा, तो वो एडवांटेज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या एडवांटेज है. दोस्तों अभी हमने एडमिन मतलब मेन एडमिन से लॉगिन कर रखा है, तो मैं यहाँ पर स्केप प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए गेटवे ऑफ टैली पे जो देख रहे हैं आप, ये मास्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्वेंट्री दिखाई दे रही है, देन आपका रिपोर्ट्स में आप बैलेंस शीट, P&L, स्टॉक समरी, रेशियो सब कुछ देख पा रहे हैं. दोस्तों यदि ऐसा है कि हो सकता है हमारे मैन एडमिन को या हमें किसी काम से 1 month के लिए बाहर जाना पड़ रहा है या हम कोई टेम्परेरी अकाउंटेंट रखना चाहते हैं और वो टेम्परेरी अकाउंटेंट को हम केवल इतनी अथॉरिटी देना चाहते हैं कि वो केवल वहाँ पर ट्रांजेक्शन कर पाए, इसके अलावा वो हमारी रिपोर्ट्स या हमारे मास्टर्स के किसी भी चीज़ को शो ना कर पाए या ना देख पाए या ना उसमें कुछ अल्ट्रेशंस कर पाए. तो दोस्तों इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले अल्ट F3 से आप पीछे जाएंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल. यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, अगर पहला एडमिन होगा तभी आप यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए एक यूज़र तैयार कर सकते हैं जिसको केवल ट्रांजेक्शन करने की ही परमिशन रहेगी. तो वो यूज़र बनाने के लिए मैं आप सिक्योरिटी कंट्रोल में जाऊँगा, यूज़र एंड पासवर्ड्स में जाऊंगा. सबसे पहले दिया हुआ है इसके अंदर डेटा एंट्री, क्योंकि मैं सिर्फ डेटा एंट्री के लिए एक यूज़र बनाना चाहता हूं. जैसे मैंने यहां पर एक यूज़र बनाया देबू, मैं चाहता हूं कि ये यूज़र केवल जर्नल एंट्री ही कर पाए, इसके अलावा हमारी किसी भी रिपोर्ट्स को ना देख पाए ना ही उसको एग्जीक्यूट कर पाए. इसके लिए मैंने 111 पासवर्ड सेट कर दिया. इसके बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा एंड ऑफ लिस्ट. तो इस तरीके से अब हमारा यूज़र बन चुका है, लेकिन अभी भी आप देखिए यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है. वो इसलिए क्योंकि अभी जो हमारी कंपनी लॉगिन हुई है वो एडमिन वाले पासवर्ड से लॉगिन हुई है. एक बार में या तो एडमिन लॉगिन कर सकता है या यूज़र लॉगिन कर सकता है दोस्तों. तो इसके लिए सबसे पहले Alt F1 से हमारे एडमिन से मैंने कंपनी को शट करवा दिया है. अब हमारा जो यूज़र होगा वो जब कंपनी को खोलेगा सिलेक्ट कंपनी में जाएगा. सबसे पहले 1002, इसका पहला पासवर्ड 123 है, दोनों के लिए कॉमन है, एडमिन के लिए भी और यूज़र के लिए भी. तो दोस्तों यहाँ जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यदि अगर मैंने यहाँ पर एडमिन 321 डाल दिया तो वो मेन एडमिन का पासवर्ड और यूज़र है, लेकिन मैंने यहाँ यूज़र बनाया है देबू. देबू को जैसे ही हम लोग 111 देंगे और इंटर करते से अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो गेटवे ऑफ टैली थी वो पूरी तरीके से खाली है. मतलब केवल आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट सारी यहाँ से गायब हो चुकी हैं, क्योंकि ये यूज़र जो है ये केवल आपका अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर ही यूज़ कर पाएगा, ट्रांजेक्शन ही कर पाएगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता. तो दोस्तों इस तरीके से वो केवल ट्रांजेक्शन ही कर पाएगा और हमारी अंदर की रिपोर्ट्स वगैरह को वो नहीं देख सकता. तो इस तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल लगाने से ये हमारा एक एडवांटेज होता है जिससे हम किसी भी यूज़र को एक लिमिटेड परमिशन दे सकते हैं. अल्टर F1 से फिर मैं कंपनी को शट कराऊँ और जब हमको पूरी तरीके से इसको देखना है तो उसके लिए हमको एडमिन को ही केवल यहाँ पर परमिशन है. 123 पहला पासवर्ड, यहाँ पर एडमिन डालते से 321 डालते से अब मैं देखूँगा कि मेरे को गेटवे ऑफ टैली पूरा दिखाई दे रहा है. तो दोस्तों इस तरीके से हम सिक्योरिटी कंट्रोल में जाकर कोई भी एक यूज़र बना सकते हैं जिसको हम लिमिटेड टास्क के लिए परफॉर्म करा सकते हैं, जो हमारी केवल अकाउंटिंग एंट्री और इन्वेंट्री इनको ही मैनेज कर पाए, हमारी रिपोर्ट्स को ना देख पाए. तो ये था हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल. तो दोस्तों इसी तरीके की टैली की वीडियोस को आगे सीखते रहिए, मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग यहाँ से टैली सीख पाएँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.